सब्सक्राइब कीजिए रॉयल गुरुजी चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकॉन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले हासिल करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद काशिम मकसूद और आप देख रहे हैं रॉयल गुरुजी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने किस तरह अपने मोबाइल फ़ोन में इस तरह रोलिंग आइकॉन को क्रिएट करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप तमाम तो जो आइकॉन है मेरे जो होम स्क्रीन पर हैं, तमाम तो आइकॉन आपको देख रहे हैं कि इस तरह रोलिंग आइकॉन दिखाई दे रहे हैं। ये काफ़ी मज़ेदार कमाल का फीचर, ऐसा लगता है कि आइकॉन जो इसमें घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, इस किस्म का दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने किस तरह इस किस्म का अपने मोबाइल फ़ोन का जो थीम है उसको क्रिएट करना है, और बहुत ही ये मज़ेदार किस्म का और कमाल का थीम है। तो फ्रेंड, इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपने गूगल प्ले स्टोर है जो उसको आपने उसको ओपन कर लेना है, जो आपका गूगल प्ले स्टोर है। ओपन करने के बाद आपने सर्च बार में सर्च करना है रोलिंग आइकॉन। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले जो एप्लीकेशन आएगी आपने उसको डाउनलोड करना है। वैसे इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। फ्रेंड, इसके 4.5 के रेटिंग है और 1 मिलियन इसके डाउनलोडर हैं। तो दोस्तों, मैंने इसको डाउनलोड कर रखा हुआ है, तो मैं इसको सबसे पहले इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं जहीं स्टार्ट पर क्लिक करूँगा तो मेरा जो थीम होगा वो इस किस्म का हो जाएगा, जिसमें आप देख सकेंगे कि मेरे तमाम तर जो आइकॉन है वो इस किस्म का नज़र आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें अगर आप अपना वॉलपेपर जो होगा, इसका बैकग्राउंड का जो वॉलपेपर मेरे पास मेरे पास ये वाला वॉलपेपर है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका वॉलपेपर जो है मैं तब्दील कर लूँ, तो आप यहाँ से इसका वॉलपेपर भी तब्दील कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहेंगे कि अपना जो आपकी जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है उसके आपके साथ जैसे ये वाली पिक्चर आपका है आइकॉन दिखाई देते हैं, उसके साथ आपके पिक्चर्स भी दिखाई दे, तो मैं चाहूँ तो उसमें आप अपने पिक्चर्स को भी डाल सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने अपने पिक्चर में उसको किस तरह डाल, मतलब जो भी पिक्चर आपने डालनी हो आपने उसको उन पिक्चर्स को उसमें क्लिक कर लेना है, उसमें सेव कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, उसके बाद सेंड करने टिक मार्क करने के बाद मैं उसको सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद मैं यहाँ पर आप देखिए कि मेरे पास जो तमाम तर पिक्चर्स ऐड हो गई हैं। और उसके बाद मैं आने के बाद यहाँ पर आ जाऊँगा और उसको क्लिक करने के बाद दोबारा स्टार्ट पर जो ही क्लिक करूँगा तो आप देखिए कि आइकॉन के साथ साथ जो मेरी पिक्चर्स हैं वो भी इसमें आ गई हैं। मतलब अभी जब जो जो मेरे आइकॉन हैं, मतलब एप्लीकेशन का आइकॉन है, उनके अंदर ये मेरे मतलब जो मैंने पिक्चर्स इंक्लूड की थी वो भी आ गई हैं। जैसे कि मैं इस पिक्चर को ओपन करता हूँ तो ये देखिए कि मेरी जो पिक्चर आ गई है सामने। हाँ, अगर आप किसी पिक्चर को अपने बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं तो ये सेट द बैकग्राउंड, मैं इसको बैकग्राउंड में क्लिक कर दूँगा, बैक जाऊँगा तो आप ये देखिए कि मेरे जो पिक्चर है इसके बैकग्राउंड में भी आ गई है। इस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन के आइकॉन्स को बहुत ही आसानी के साथ रोलिंग आइकॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन के आइकॉन को कहीं भी घुमा सकते हैं। कोई देखने वाला बंदा देखेगा कि ये किस तरह है, अगर मोबाइल फ़ोन को हिलाएगा तो आपका आइकॉन जिस तरफ को मोबाइल हिलेगा आपके जो आइकॉन है वो उसी तरफ को ही मूव करेंगे। तो फ्रेंड, ये काफ़ी कमाल का, ज़बरदस्त किस्म का और बहुत ही अच्छा और प्यारा सा फीचर है एक एप्लीकेशन का। तो फ्रेंड, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।